हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्यूट और फ्रेंडली ब्रीड में से एक लेके आया हूँ और ये शायद हमारी सेकंड वीडियो है इस ब्रीड के ऊपर। तो हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करेंगे इंग्लिश कॉकर स्पेनियल और अमेरिकन कॉकर स्पेनियल के बारे में। ये डॉग स्मॉल टू मीडियम साइज डॉग्स कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत ही अच्छी ब्रीड में से एक है और इन्हें हर टाइप्स की फैमिलीज रख सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस डॉग में ऐसा क्या खास है और क्या आप इस डॉग को ले सकते हैं या फिर नहीं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मंजीत एंड यू आर वॉचिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कॉकर स्पेनियल्स हैं ये एक फैमिली ओरिएंटेड डॉग्स हैं। तो अगर आप लोगों की एक बड़ी फैमिली है जहाँ पर बच्चे और एज लोग हैं तो भी आप लोग इन्हें रख सकते हैं, और अगर आप लोगों को एक मीडियम डॉग्स कैटेगरी में अच्छा फैमिली डॉग चाहिए तो भी कॉकर स्पेनियल आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो में इंग्लिश कॉकर स्पेनियल और अमेरिकन कॉकर स्पेनियल दोनों ही डॉग ब्रीड हैं। तो अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इन दोनों डॉग्स ब्रीड में डिफरेंस क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिकन कॉकर स्पेनियल्स जो होते हैं ये थोड़े स्मॉल डॉग्स में आते हैं, और वही इंग्लिश कॉकर स्पेनियल इनसे थोड़े बड़े होते हैं, ये मीडियम डॉग्स कैटेगरी में आते हैं। पर ये इतने बड़े भी नहीं होते कि जो ये लैब्राडोर और डालमेशन के जैसे दिखें। तो दोस्तों, ये इन पपीज के मदर फादर हैं, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो क्वालिटी से रिलेटेड तो आप लोगों को शायद कोई भी इशू नहीं आएगा। और इन डॉग्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये अच्छे खासे एनर्जी लेवल के डॉग्स होते हैं, और अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इन्हें बेझिझक ले सकते हैं क्योंकि ये बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। बस अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है तो वो है इनके कोट को लेके, क्योंकि कॉकर स्पेनियल का लॉन्ग कोट होता है तो इन्हें क्लीनिंग की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग हर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर अगले दिन आप लोग इन्हें ब्रश जरूर करें ताकि इनके हेयर में जो डस्ट चला जाता है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और इन्हें किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोगों को एक यूनिक सी फैमिली ब्रीड चाहिए तो कॉकर स्पेनियल डॉग्स आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अगर हम लोग कॉकर स्पेनियल की एवरेज लाइफ स्पेन के बारे में बात करें तो इनकी एज 12 टू 14 ईयर्स की हो सकती है, बट अगर आप लोग इनकी अच्छे से केयर करोगे तो इनकी एज और भी ज़्यादा हो सकती है। और अगर वही हम लोग इनकी हाइट के बारे में बात करें तो इनमें मेल की हाइट 14 टू 16 इंचेस हो सकती है और वही फीमेल की हाइट 13 टू 15 इंचेस तक हो सकती है। पर ये मैं इंग्लिश कॉकर स्पेनियल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अमेरिकन कॉकर स्पेनियल होते हैं उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। तो दोस्तों, इन डॉग्स के बारे में तो मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तो अब मैं आप लोगों को इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो अगर हम लोग इन डॉग्स की एज के बारे में बात करें तो ये 36 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है देहरादून विकास नगर से। भाई, अगर आप लोग आसपास में कहीं पे भी रहते हैं तो डायरेक्ट जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी आप लोगों को इनके साथ भी अवेलेबल नहीं मिल पाएगी। बाकी क्वालिटी तो आप लोग इनकी देख ही चुके हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 14,000 रुपीज़ यानी 14,000 रुपये, और फीमेल की है 10,000 रुपीज़ यानी 10,000 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आई होप मैंने आप लोगों को इन डॉग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी वो सभी प्रोवाइड कर दी हैं, और साथ में ये भी बताना कि किस किस को इससे पहले इस ब्रीड के बारे में नहीं पता था। तो दोस्तों, अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय।